नमस्कार, मैं फार्मासिस्ट प्रांजलि सातपुते ऑनलाइन फार्मेसी इस मेडिसिन चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैंडिड सीएल टैबलेट के बारे में, जो कि एक प्रकार की वजाइनल सपोजिटरी है, मतलब इसे वजाइनल रूट से दिया जाता है। और दोस्तों, इस टैबलेट में आपको क्लिंडामाइसिन एंड क्लोट्रामैक्सोल, यह दो ड्रग एक साथ कॉम्बिनेशन में देखने को मिलते हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। आगे हम इस वीडियो में इस कैंडिड सीएल टैबलेट के बारे में पूरी विस्तार में जानकारी लेंगे कि मतलब इस टैबलेट को कब, कैसे और कितनी मात्रा में लिया जा सकता है, यानी कि इस टैबलेट के यूजेस क्या है, डोजेज क्या है, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस दवा को किस तरह से लिया जाता है, मतलब इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, किस तरह से ये सपोजिटरी वजाइना में इंसर्ट की जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नीचे का जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारे इस चैनल पर आगे मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस अपलोड हो गए वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस कैंडिड सीएल टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में, कि मतलब इसमें कौन से ड्रग को कितनी मात्रा में ऐड किया गया है। तो दोस्तों, इस टैबलेट में आपको क्लोट्रामैक्सोल 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में देखने को मिलता है। दोस्तों, क्लोट्रामैक्सोल एक प्रकार की एंटी फंगल मेडिसिन है, मतलब ये फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है। एंड जो सेकंड ड्रग है जिसका नाम है क्लिंडामाइसिन, तो ये यहाँ पर 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में देखने को मिलती है। दोस्तों, क्लिंडामाइसिन यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक क्लास से बिलोंग करने वाली मेडिसिन है, मतलब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करती है। और दोस्तों, ये जो दोनों दवाइयां हैं, ये दोनों दवाइयां मिलकर महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने में काफ़ी मदद करती है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस कैंडिड सीएल टैबलेट के उपयोग के बारे में, कि मतलब इस दवा को महिलाओं में कौन कौन सी बीमारियों में, परेशानियों में दिया जाता है। तो दोस्तों, इस दवा को मुख्य रूप से ल्यूकेरिया जैसी कंडीशन में प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, ल्यूकेरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें महिला के वजाइना में से एक तरह का डिस्चार्ज होने लगता है, जो कि वाइट, येलोइश या फिर ग्रे कलर का भी हो सकता है, और इसके कारण महिला का वजन कम होना, उन्हें कमजोरी सी महसूस होना, उसके बाद डिस्कम्फर्ट सा फील होना, ये कुछ समस्याएं देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में इस ल्यूकेरिया को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस कैंडिड सीएल टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी महिला को बैक्टीरियल वजाइनोसिस की प्रॉब्लम है, मतलब इसमें क्या होता है, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, साथ ही ईचिंग सी रहती है, तो ऐसे कंडीशन में भी इस दवा को दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, वजाइनल कैंडिडियासिस में भी इस दवा को दिया जाता है। वजाइनल कैंडिडियासिस यह एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कैंडिड फंजाय के कारण होता है, और इसमें क्या होता है, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में ईचिंग रहना, पेशाब करते वक्त दर्द रहना, बर्निंग सेंसेशन होना, ये कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस वजाइनल कैंडिडियासिस में भी डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो यदि किसी महिला को कभी कभार वाइट डिस्चार्ज होता है, सफ़ेद पानी आता है, या फिर प्राइवेट पार्ट में किसी तरह की कोई खुजली, जलन रहती है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस कैंडिड सीएल टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस दवा के डोसेज के बारे में, कि मतलब इस दवा को कितनी मात्रा में लिया जा सकता है और इसे किस तरह से वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, यानी कि इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से तीन वजाइनल सपोजिटरीज एक स्ट्रिप में देखने को मिलती है, और इसमें से हर रोज एक सपोजिटरी, यानी कि लगातार तीन दिन तक एक एक टैबलेट वजाइना में जनरली रात के टाइम पे सोने से पहले इंसर्ट करने की सलाह दी जाती है। और इस टैबलेट को आपको या तो अपने फिंगर से या फिर इसके साथ जो एप्लीकेटर आता है उसकी मदद से आप इसे अपने वजाइना में इंसर्ट कर सकती हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कि मतलब इसके कारण क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो इसके कारण लोअर एब्डोमिनल पेन, बैक पेन,
पेट में मरोड़ आना, प्राइवेट पार्ट में ईचिंग रहना, सूजन आना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये साइड इफ़ेक्ट सभी में दिखाई नहीं देते, कुछ लोगों में देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको इनमें से या फिर कोई और भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो आप दवा को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, ये दवा प्रेगनेंसी में या फिर ब्रेस्टफीडिंग वुमन में भी बिल्कुल सेफ है, लेकिन फिर भी ऐसे कंडीशन में इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के कंसल्ट के बिना दवा का सेवन ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट्स एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।